टैक्स तो वो प्रत्येक जनता से लेता है जी, लेकिन आप देख लीजिए ना, पानी सप्लाई की व्यवस्था सही है, हर जगह आपको लीकेज मिल जाएगा जी। ना ही आपको शौचालय की व्यवस्था सही है, ना ही रैन बसेरा की सब व्यवस्था सही है। हाँ, चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद झाड़ू तो लगातार दिया जा रहा है, दो टाइम, एक सुबह एक शाम को, लेकिन उसके पहले ये भी व्यवस्था नहीं थी। लग रहा है कि जैसे चुनाव आया है तो थोड़ा सा सरगर्मी बढ़ा है। अच्छा। आज 2014 में कानून बना, 2022 चल रहा है, अभी तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। अभी मैं मौजूद हूँ तिलका मांझी चौक पे, ये भागलपुर का सबसे चर्चित चौक है, और बाहर से जो लोग आते हैं उनको शायद देखना एक बार तिलका मांझी चौक होकर के जरूर गुजरना होता है। नगर निगम चुनाव के सर पर आने के बाद ही प्रत्याशियों में बहुत जोश उमंग है, बहुत जोश उमंग से चारों तरफ प्रचार गाड़ियों का प्रचलन चल रहा है, हर तरफ आपको प्रचार गाड़ी चलती दिख जाएंगी। और उसके बाद अब हम लोग तिलका मांझी चौक पे पहुंचे इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बता सके कि तिलका मांझी चौक का इतिहास क्या है, बल्कि इसलिए यहाँ पर पहुंचे कि आपको बता सके कि तिलका मांझी चौक का वर्तमान क्या है। अभी हम लोग तिलका मांझी चौक पे है और नगर निगम चुनाव पे जहाँ प्रत्याशी बहुत तमाम तरीके के वादे कर रहे हैं, वहीं शायद भागलपुर की जनता को लूटा जा रहा है। भागलपुर की जनता को जो चीज़ मिलना चाहिए, जिस चीज़ से भागलपुर की पहचान है, वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही है। ये तिलका मांझी चौक है, अगर करीब से लेकर के आपको दिखाएं तो शायद ये तिलका मांझी चौक अब पुराना जैसा नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां आ गई हैं। ये तिलका मांझी चौक है, इस गोलंबर में बहुत सारी कमियां आ गई हैं, बहुत जगह से ये टूट चुका है, यहाँ तक कि तिलका मांझी के हाथ में जो आपको धनुष दिखाई दे रहा है वो भी टूटता नज़र आ रहा है, उस धनुष में जो छर है, जो रड है, वो भी निकलता नज़र आ रहा है। तो गुजारिश तो इस बात की है कि जो चीज़ आपके भागलपुर की शान है, कृपया कर उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। आप अभी देखिए ना सर, उधर देखिए, जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको प्रचार गाड़ियाँ ही चलती नज़र आएंगी, और इसके बावजूद भी पुराने जो प्रतिनिधि थे उन्होंने पूरी तरीके से काम नहीं किया, पुराने जो प्रतिनिधि थे उन्होंने यहाँ की जनता के लिए सही रूप से काम नहीं किया। आइए आज यहाँ के व्यवसायियों से और बाकी लोगों से जानते हैं कि क्या वाकई मायने में नगर निगम में वो काम हो पा रहा है या नहीं, जिस काम की इस शहर को ज़रूरत है। मैं ज़्यादा बड़े व्यवसायियों की बात नहीं करता हूँ, मैं छोटे लोगों को लेकर चलने वाला इंसान हूँ, और अभी मैं पहुँचा हूँ उन लोगों के पास जो शायद अपने जीवन यापन के लिए प्रत्येक दिन फल का ठेला लगाते हैं, उसी से कमाई करते हैं और उन्हीं से उनका रोजगार चलता है। आइए उनकी ओपिनियन जानते हैं, उनकी राय जानते हैं कि नगर निगम चुनाव के बारे में वो क्या सोचते हैं और विकास के बारे में वो क्या सोचते हैं। यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग हैं, क्या नाम है भैया, क्या नाम है? धर्मेंद्र। यहाँ पर साफ सफाई रहता है नगर निगम के द्वारा? होता है, रोज होता है, सुबह रोज प्रत्येक दिन होता है। किसी तरह का आप लोगों को परेशानी नहीं? कोई कोई। और लोग हैं यहाँ, उनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ सर? संतोष कुमार सर। एक चीज़ बताइए, नगर निगम चुनाव सर पे है और आप चारों तरफ आप देख रहे होंगे प्रचार गाड़ियों का प्रचलन बहुत जोर शोर से चल रहा है, क्या लगता है पूर्व जो आपकी मेयर रही हैं उन्होंने काम किया है? जितने भी लोग हैं जी, वो जब वार्ड पार्षद या मेयर का चुनाव जीत कर होते हैं जी, तो अपने दायित्व को सही से निभा नहीं पाते। अच्छा। आपसी रंजिश में, आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता में उलझे हुए रहते हैं, जनता मर रही है उसका कोई ध्यान नहीं। आप देख सकते हैं कि ये तिलका मांझी भागलपुर का मुख्य चौराहा है, सबसे चर्चित चौराहा है, सबसे बड़ा चौराहा, मुख्य चौराहा है, उसके बाद भी आम लोगों के लिए यहाँ पर एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। लोग को पेशाब लगता है, खुले आम जो है रोड पर खड़े होकर करते हैं, कचरा फेंकने की व्यवस्था सही नहीं है। इधर कुछ दिनों से जो है झाड़ू तो निरंतर दिया जा रहा है, जब चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद, हाँ, चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद झाड़ू तो लगातार दिया जा रहा है, दो टाइम, एक सुबह एक शाम को, लेकिन उसके पहले ये भी व्यवस्था नहीं थी। लग रहा है कि जैसे चुनाव आया है तो थोड़ा सा सरगर्मी बढ़ा है। अच्छा। दूसरी बात, नगर निगम का बहुत सारा कार्य है, नगर निगम ही जो है एक शहर को स्वच्छ रूप से, सुंदर रूप से, व्यवस्थित रूप से बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। टैक्स तो वो प्रत्येक जनता से लेता है जी, लेकिन आप देख लीजिए ना, पानी सप्लाई की व्यवस्था सही है, हर जगह आपको लीकेज मिल जाएगा जी। ना ही आपको शौचालय की व्यवस्था सही है जी। ना ही रैन बसेरा की सब व्यवस्था सही है। एक कार्यक्रम भारत सरकार ने बनाया था स्ट्रीट वेंडर के लिए जी, कि स्ट्रीट वेंडर जितने भी हैं, वो जो गरीब गुरबा लोग हैं, रोड पर जो है अपना आजीविका चलाते हैं, उनके लिए कानून बना करके भारत सरकार ने सबको व्यवस्थित करने करके, वेंडिंग जोन बना करके व्यवस्थित करने का निर्देश दिया, कानून बनाया जी। मैं भी टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम का सदस्य हूँ। अच्छा। और फुटपाथ विक्रेता संघ का जिला अध्यक्ष। अच्छा।
आज 2014 में कानून बना, 2022 चल रहा है, अभी तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। 8 सालों में कोई इम्प्लीमेंट नहीं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं कि व्यवस्थित नहीं करने के कारण जो है आप पथ विक्रेता जो है यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, जिससे जाम की भी समस्या होती है। और उस कल दिन अतिक्रमण अभियान जो चलता है, इंक्रोचमेंट ड्राइव चलता है, उसमें उनको हटा दिया जाता है, तो उनकी आजीविका भी मरती है, मरने की स्थिति पर आ जाती है। तो इससे बढ़िया है कि आप उसको स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित करके, एक शुल्क हम लोगों ने मिनिमम 500 रुपीज पर मंथ का जो है डिसीजन लिया था, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो इससे इस शहर में करीब 5,000 से 10,000 के बीच वेंडर्स हैं, उसको व्यवस्थित आप कर देते हैं, तो उससे अगर 500 रुपया शुल्क लिया जाए मिनिमम, तो उससे राजस्व का भी इजाफा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस अतिक्रमण भी हटेगा और जाम की समस्या भी कम होगी और उससे जो राजस्व प्राप्ति होगी उसको शहर के विकास में लगाया जा सकता है। इन सब मुद्दों पर जो है आगे मैं चाहता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए त्वरित रूप से जो है इन समस्याओं का निष्पादन करें। कहाँ तक पढ़े हैं भैया आप? मैं अकाउंट ऑनर हूँ मारवाड़ी कॉलेज से। अच्छा, मतलब अकाउंट ऑनर से और फल बेच रहे हैं आज। ये देखिए, ये पढ़े लिखे इंसान हैं, फल भले ही बेच रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो बात बोली है ना, शायद ही कोई बोलेगा। यहाँ भागलपुर की आम जनता की आवाज़ है, जो शायद मेयर साहब को और बाकी जनप्रतिनिधियों को सुननी चाहिए। बाकी मेरा नाम है प्रतीक परमार, आप देख रहे थे सिल्क टीवी। जय हिंद।